रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हरियाणा सरकार ने एक तोहफा दिया है। सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी दी है। कोविड प्रोटोकॉल का मुफ्त यात्रा में पालन जरूर करना होगा। यात्रा तो मुफ्त है, लेकिन कोविड जो प्रोटोकॉल है उनका भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। लेकिन ये रक्षाबंधन के दिन तोहफा महिलाओं के लिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हरियाणा सरकार की तरफ से मुफ्त में यात्रा का फैसला सरकार ने लिया है। रक्षाबंधन के दिन कोई टिकट नहीं लगेगा बसों में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये जानकारी। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर ऑनलाइन पर जुड़े हैं। ओपी शर्मा, ये एक तोहफा रक्षाबंधन के दिन, सरकारी बसों में कोई भी टिकट महिलाओं का उस दिन नहीं लगेगा? जी देखिए शंकर, हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले एक दशक से हर रक्षाबंधन पर सरकार की तरफ से जो है महिलाओं को फ्री में जो है यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। और इस बार सरकार ने ये भी कर दिया कि हरियाणा में आमतौर पर 12 साल से ऊपर की आयु की अगर कोई भी बच्चा है तो उसकी पूरी टिकट लगती है। लेकिन सरकार ने इस बार जो है 15 साल तक के बच्चे की जो है वो टिकट भी जो है वो उनको नहीं लेनी पड़ेगी और ये एक दिन के लिए वैलिड होगा। और चंडीगढ़ में जो है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसकी घोषणा की और इस घोषणा के बाद जो है महिलाओं में काफी उत्साह है और पिछली बार हर बार की तरह वो इस बार भी रक्षाबंधन के दिन जो है यात्रा कर सकेंगे। जी तो क्या टाइमिंग रखा गया, सुबह से कितने बजे से शुरू होगा, शाम कब तक यात्रा कर सकते हैं? देखिए सुबह इसका टाइमिंग नहीं रखा, लेकिन रात को 12 बजे के बाद अगर कोई भी बस किसी भी डेस्टिनेशन से चलती है और रात को वो वापिस आती है लास्ट बस, तो उस वक्त तक ये जो है वो लागू रहेगा। आमतौर पर पहले जो होता था वो अगले दिन दोपहर तक लागू होता था, लेकिन अभी तक जो आदेश जारी हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये कब तक अगले दिन तक भी वैलिड, दोपहर तक वैलिड है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन से वापस लौट रहे हो तो आपकी आखिरी बस पर भी 12 बजे से पहले तक ये लागू रहेगा। जी अंकल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही, जहां पर गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की गठित जो टीम है वो पूरी रिपोर्ट के आधार पर अब यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार से भी मंजूरी ली गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, पूरी विशेषज्ञों की एक टीम गठित थी, उनकी रिपोर्ट आई, उसके आधार पर फैसला लिया गया। केंद्र सरकार से भी इस बात की मंजूरी ले ली गई है कि अब गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लग पाएगी पंजाब में। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी अब कोरोना वैक्सीन लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि शहीदों का बलिदान, उनका शौर्य, उनकी विचारधारा हमें बच्चे बच्चे को याद करानी है ताकि वो देश के गौरवशाली इतिहास और शहादत की गंभीरता को समझें। उन्हें जानना होगा कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा शहीदों का मान करते हुए इंदिरा राजीव गांधी को प्राथमिकता दी और अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके गाँव तक सम्मान पहुंचाने की परंपरा शुरू की थी। वाला किसान और काले बालों वाला जवान यात्रा में इतनी भारी संख्या में उमड़ रहा है कि जो यात्रा के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में इस तिरंगा यात्रा ने लोगों के दिलों को छुआ। जो भावना हम उत्पन्न करना चाहते थे देशभक्ति की, वो भावना अभिव्यक्त हो रही है। और अमृतसर में रेड अलर्ट के दौरान और 15 अगस्त के चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की ओर से विशेष तौर पर अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें रेलवे पुलिस के अतिरिक्त पंजाब पुलिस डॉग स्क्वाड GRP तैनात की गई है। पुलिस हर आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी हुई है। इसको देखते
पुलिस ने अमृतसर शहर में एक फ्लैग मार्च भी निकाला है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है और पुलिस अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोताही सुरक्षा व्यवस्था में नहीं छोड़ना चाहता है। तो पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है चप्पे चप्पे पर, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, बाकायदा वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त ही बताएं आपको, टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पंजाबी खिलाड़ियों का सम्मान होगा। पंजाब के जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। 12 अगस्त को यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, तो खिलाड़ियों को राशि भी सम्मान सहित दी जाएगी। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सम्मान समारोह में शामिल रहेंगे। 12 अगस्त का ये कार्यक्रम रखा गया है सम्मान समारोह का, जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन किया भारतीय खिलाड़ियों ने, वाकई पूरे देश का सर ऊंचा हुआ है, मेडल आए हैं, और इसीलिए सरकारें भी अब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सम्मान करेगी। जाहिर है सम्मान से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।